हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू सिकोलॉजी। भाई लोग, दुनिया भर में सिनेमा का स्केल बहुत ऊपर जा चुका है। आजकल हर मूवी फ्रेंचाइज को सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम की बीमारी सी लग चुकी है। मूवीज में CGI और VFX का घमासान मिल रहा है। अब मूवीज की स्टोरीज भी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल के लौंडों को सिर्फ लव स्टोरियां देखकर मजा थोड़े आएगा। इनको तो चाहिए मूवीज में हाईटेक वेपन्स, एलियंस, वॉर और न जाने क्या क्या। फिल्म मेकर्स जानते हैं कि हम लौंडों के मुंह को एंड गेम, अवतार और KGF जैसी मूवीज का खून लग चुका है, इसलिए हम सस्ते में थोड़ी ना छूटेंगे। तो इस कोशिश में रहते कि हमें कुछ ना कुछ बेहतर प्रोवाइड किया जाए, और उसी बेहतर की कोशिश में वो हमें जॉन विक 4 और एक्सट्रैक्शन 2 जैसी एपिक मूवीज देते हैं। लेकिन अफसोस, जिस वर्ल्ड सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अपना पाकिस्तानी सिनेमा नहीं आता। आज CGI और VFX के दौर में भी लॉलीवुड हमें यहाँ नहीं जाऊंगी और वहाँ नहीं जाऊंगी जैसी टट्टी मूवीज प्रोवाइड कर रहा है। अगर सच पूछो तो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ने लॉलीवुड से उस लेवल की उम्मीद करना छोड़ ही दी थी। लेकिन अभी हाल ही में उमरो अय्यार का टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया और लॉलीवुड पे मेरा भरोसा फिर से वापस आ गया। उमरो अय्यार के टीजर ट्रेलर को देखते हुए मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मूवी पाकिस्तान में पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स सेट करेगी, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। भाई लोग, आज की वीडियो में हम इसी के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले, जो लोग उमरो अय्यार को नहीं जानते तो उन्हें मैं बताता चलूं कि उमरो अय्यार दरअसल उर्दू लिटरेचर का एक बहुत ही पॉपुलर करेक्टर है, जो कि अपनी बहादुरी, अकलमंदी और अपने तिलिस्मी जादू की वजह से जाना जाता है। ये अपनी सारी जिंदगी बहुत से एडवेंचरस सफर करते हुए गुजारता है और उन्हीं के दौरान इसका सामना बहुत सी शैतानी ताकतों से होता है। तो ये तो था उमरो का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब करते हैं इसके टीजर का ब्रेकडाउन। टीजर के ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि उमरो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर मेडिटेशन कर रहा है। इट सीम्स लाइक कि वो किसी का वेट कर रहा है, जैसे कोई हमला करने वाला हो। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चलते हुए कहीं जा रहे हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है। अगर इस सीन को गौर से देखा जाए तो इस तरफ वाली आर्मी जो चल रही है, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई ट्रेंड आर्मी है। लाइक उनके चलने का स्टाइल बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो आर्मी दरअसल जिन्नात की आर्मी हो, जो इस मूवी के विलन्स हैं, और उस तरफ वाले लोग या आर्मी जो एक डिसिप्लिन वे में खड़े हैं, वो उमरो की आर्मी हो। तो भाई लोग, इसे देखकर ये तो समझ आ रहा है कि मूवी में हमें एक इंतहाई धांसू किस्म की बैटल देखने को मिलेगी। सोचकर ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि उमरो टीजर के पहले सीन में जिस इन्वेजन का वेट कर रहा हो वो यही है। इसके बाद हमें एक किले जैसी ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, जिसके अंदर फरहान सईद बैठे हैं, और आई थिंक कि यही मूवी के मेन विलन हैं। इसी सीन में हमें हमजा अली अब्बासी की वॉइस में एक डायलॉग सुनाई देता है कि अंधेरों में रहने वालों से कह दो, एक नई सुबह तलू हो रही है। और ठीक इसी से पहले वाले सीन में हमें एक और डायलॉग सुनाई देता है कि जमीन अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। तो भाई लोग, ये दोनों डायलॉग्स मूवी के प्लॉट को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक मूवी की स्टोरी एक ऐसे टाइम में टेक प्लेस करेगी जहां पर शैतानी ताकतें पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुकी हैं और अब वो दुनिया में अच्छाई के खात्मे को लगी हैं, और उन्हीं शैतानी ताकतों के खात्मे के लिए उमरो अय्यार को जन्म लेना होगा। ये बात हम इसके बाद के सीन में देख सकते हैं, जब अदनान सिद्दीकी उस्मान मुख्तार के हाथ में एक लॉकेट देता है, और ठीक तभी उस्मान मुख्तार को उसकी पावर्स मिलती है, क्योंकि उस्मान मुख्तार ने इस सीन में और इस सीन में एक जैसे ही कपड़े पहने हैं। तो उस्मान को उमरो अय्यार की पावर्स ठीक तभी मिली जब उसके पास वो लॉकेट आया। अब भाई लोग, मैं बताता चलूं कि ये लॉकेट दरअसल मेरे ख्याल में एक तिलिस्म है, एक ऐसा मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिससे उमरो को उसकी मैजिकल पावर्स मिलती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी में यही लॉकेट उस्मान यानी उमरो अय्यार की पावर्स का सोर्स होगा। यानी ये पॉसिबल है कि अगर उमरो से वो लॉकेट या जंबील छीन लिया जाए तो उमरो अय्यार वापस से एक सादा इंसान बन जाएगा। खैर, ये सब मेरी प्रेडिक्शंस हैं, हकीकत तो मूवी देखकर ही पता चलेगी। इसके बाद हमें बहुत से नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें सना सईद, अली काजमी और सलमान शौकत वगैरह शामिल है। तो मेरे ख्याल में ये सब लोग एक कॉमरेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जो अपनी आजादी के लिए इन तमाम शैतानी ताकतों से लड़ रहे हैं, और इन कॉमरेड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अय्यारो कहते हैं। इसके बाद मूवी के कुछ एक्शन सीन्स के ग्लिम्प्स दिखाए जाते हैं और फाइनली टीजर एंड हो जाता है। टीजर के एंड में हमजा अली अब्बासी एक पुराने फोक टेलर के रूप में अपीयर होते हैं। मेरे नजदीक हमजा अली अब्बासी के अपीयरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ईस्टर एग है, ये बात शो करवाने के लिए कि दरअसल उमरो अय्यार का कैरेक्टर दास्ताने अमीर हमजा से डिराइव किया गया है। लाइक वो हमजा और ये दास्ताने अमीर हमजा। सॉरी भाई लोग, यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इस सीन में उमरो के इस फॉर्म को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास उसकी जंबील के अलावा और भी सुपर पावर्स होंगी, जो कि फायर से रिलेटेड होंगी, जस्ट लाइक गोस्ट राइडर। एक और बात ये कि इस टीजर में जो चीज मिस की गई है वो है उमरो की जंबील। उमरो अय्यार की जंबील दरअसल एक ऐसा थैला है जिसमें से वो जब चाहे और जो चाहे निकाल कर अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज कर सकता है। टीजर में उसकी जंबील अपीयर नहीं की गई, लेकिन मे बी मूवी या ट्रेलर में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो लिटरली ये मूवी मेकर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। खैर, जो भी हो, ये सब मेरे प्रेडिक्शंस और अंदाजे हैं, इनमें से हकीकत कुछ भी नहीं। हकीकत जो भी है हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए।